परिषद से लेके सफाई कर्मचारी तक, इसी तरह से आज जो ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो ये हम करने जा रहे हैं, ये और कुछ गुलदस्ता सर आपकी अध्यक्षता में एक और तैयार किया है, वो क्या गुलदस्ता? आप आइए ना हमारे सेक्टर में, लाइटिंग लेंस में आइए। हमारे आशीष जैन सर से, आशीष जैन सर आप हमारे ऑनरेबल गेस्ट साहब को एक टोकन आईडी प्रोड्यूसर्स और खासकर हमारे बीच में हमारे सेक्रेटरी जम्मू मसर कॉर्पोरेशन और हमारे बीच में हमारे जीएम कसरा साहब, हमारे एक्स कमिश्नर एसएमसी और इस वक्त इनके साथ बहुत वाबस्ता जो है, और खासकर यहाँ पे आशीष जैन सर जो हमारे बीच में इबका से हैं, जिन्होंने हमारे साथ शाना बशाना इस शास्त्री सर से और एस एन दत्ता साहब मैनेजिंग डायरेक्टर शालीमार, मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आप जो ये और हमारे बीच में हमारे ऑनरेबल सोशल जस्टिस कमेटी जम्मू मसूर कॉर्पोरेशन वो भी आ चुके हैं, तो आप इस प्रोग्राम की जो शुरुआत करने जा रहे हैं, जैसे कि हमारे ऑनरेबल मेयर साहब ये इन्होंने एक चीज एक अनाउंस की हुई पर ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक वेस्ट, इसके ऊपर सारा ये सेमिनार यहाँ रखा गया है। इसे हमारे जेएमसी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, पोल्यूशन बोर्ड और इपका जो इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है एसोसिएशन, इनके साथ मिलकर हम ये कार्यक्रम रखा है। इसमें और भी बहुत से लोग हैं जो ये प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनसे भी हम हेल्प ले रहे हैं कि अगर आप प्रोड्यूस करते हैं उसकी कंजम्पशन कैसे करनी है, वो भी हमारे साथ हैं, सहयोग दे रहे हैं। यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट से सब लोग आए हुए हैं और ख़ासकर जो पोल्यूशन बोर्ड से आडी साहब आए हैं, कस्बा जी हमारे बड़े भाई हैं, पवन शास्त्री जी हैं, हमारे ऑनरेबल चेयरमैन बलदेव जी, हमारा पूरा हेल्थ की पूरी टीम, सुनैना जी सेक्रेटरी, और इसके ऊपर आज मेन चैलेंज है जम्मू कश्मीर और देश के लिए प्लास्टिक ही है। इसके ऊपर कैसे हम कामयाब हों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी लाल किले से आह्वान किया था 15 अगस्त को कि आने वाले 2 अक्टूबर से लेकर आनवर्ड हम इसके ऊपर एक खुली जंग लड़ेंगे। और मुझे आशा है कि जो शब्द प्रधानमंत्री जी लाल किले से कहते हैं उसको हम निजामा पढ़ाते हैं, चाहे वो 370 का हो, चाहे वो 35A का हो, चाहे कोई और भी वहाँ से जो आह्वान करते हैं, तो उनके आवाज़ पे पूरा देश एक हो जाता है। जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 2 अक्टूबर से ही स्वच्छ भारत का अभियान वहाँ से अनाउंस किया था, और पूरे देश के अंदर एकदम आज जिस तरफ जाओ, जिस डिपार्टमेंट में जाओ, चाहे रेलवे है, स्वच्छता की ओर बहुत सारा ध्यान दिया जा रहा है। हमारे लोग अवेयरनेस हो गए, हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो अवेयरनेस होगी। तो मुझे आशा है कि 2 अक्टूबर 2019 से लेकर आनवर्ड 2 अक्टूबर 2020 तक ही आप इसके रिजल्ट देखोगे, बाहर वाले कंट्री भी यहाँ रिसर्च करने के लिए आएंगे कि ये देश में कैसा हो गया जिस तरह आज स्वच्छता के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो मैं आज सब डिपार्टमेंट जहाँ जो आए हुए हैं, हमारे जितने भी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का स्टाफ इसको काम को लगा, डॉक्टर जफर साहब हमारे हेल्थ ऑफिसर, सब लोगों का बड़ा आभारी हूँ। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आज आधा समुंदर हमारा प्लास्टिक से भरा हुआ है। अभी मैं इधर से आ रहा था भक्ति नगर की तरफ से, तो हमारा एक सफाई कर्मचारी जो ठेला है, ठेले में 3 ठेले मुकाबला उसमें कूड़ा भरा हुआ वो सारा ढो रहा था, तो उसमें आधे से ज़्यादा प्लास्टिक है। अगर ये प्लास्टिक ख़त्म होता है तो हमारा आधा कचरा ख़त्म होता है। हमें वहाँ पर जो हमारा डंपिंग साइट है यहाँ से 21-22 किलोमीटर, हमें ये सारा वहाँ ले जाना पड़ता है, हमारा बहुत सा खर्चा आता है। मैं इन डिपार्टमेंट का जो इनका खासकर इस काम को कर रही है, और हमारा पोल्यूशन बोर्ड का बहुत बड़ा इसमें योगदान है कि अपना जो इन्होंने डिस्पोजल के ऊपर भी जो बैन लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, उससे भी हमें आती रात में